ये वो पॉइंट है गाड़ी पे आया जा सकता है जहाँ तक, और इसके बाद गाड़ी का ट्रैक नहीं है और पैदल जाना पड़ेगा आगे आबशार तक। हमने नीचे से पूछा है कि आबशार के क्या हालात हैं अभी। ये पानी जो है यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो लोगों ने बताया कि वहाँ ना जाएं, अभी पानी नहीं होगा। लेकिन मुझे ये जगह ही वैसे इतनी प्यारी लग रही है और इसमें आगे जाना मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बिल्कुल मेटल रोड था, कंक्रीट का बना हुआ रोड, और बड़ा इजीली गाड़ी जो है वो यहाँ तक पहुँची है। नीचे एक पॉइंट भी था शारदा शादरा। जैसे ही इस्लामाबाद से हम मुड़े थे श्रीनगर हाईवे से, तो उसके बाद तकरीबन 8-10 किलोमीटर गाड़ी आती है अंदर पहाड़ों की तरफ, फिर गाड़ी एक जगह रुक जाती है। बड़ी पुरसकून सी जगह है ये। सारा रास्ता के नज़ारे बहुत पुरकैफ थे, मज़ा आया। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, इस नाले के साथ साथ हमने जाना है। लेट्स गो। वो आबादी दूर छोड़ा है हम। लेट्स मूव अहेड। ट्रैक थोड़ा सा टफ हो गया अब। इस्लामाबाद से जैसे ही हम ऊपर की तरफ आए हैं थोड़ा सा, तो मौसम भी अच्छा हो गया है। नीचे बहुत गर्मी थी। यस, ये चेंज हुआ है। जैसे ही मोड़ मुड़े हैं हम, तो सीन चेंज हो गया। क्या हाल है? शुक्र है लगा। ये बताएं कि शंबर आबशार कितना दूर है? 5-10 मिनट का रास्ता है। जगह कैसी है? भी ऐसी है। जाना चाहिए आगे? मर्जी आपकी, मैं मुझे तो नहीं जाना ना, जाना आपने, मर्जी आपकी होगी। अच्छा, नहीं आप क्या कहते हैं कि जाने का फायदा होगा? हाँ, तो जाने का यही है, जैसा मेरे है ये और सब। शंबर भी ऐसा ही है, थोड़ा उधर नहाने के लिए ठंड है पानी। आपका क्या नाम है? मेरा फयाज नाम है। ये बकरियाँ सारी अपनी हैं? जी जी, ये सारी हमारी है। और ये बकरा ईद पर बेचते हो आप लोग? जी जी, ये बकरा ईद पे बेचते हैं। ये इनमें जो सबसे अच्छी बकरी है, बकरा है जो? जी जी। कितने का है आपका? यो 35,000-40,000 का है। अच्छा, बकरा। उसमें कितना वजन होगा? उसमें साफी वजन तो होगा 70-80 किलो वजन, तो मांडेड साफी गोश्त होगा। अच्छा जी, बहुत बड़ा रिवर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले इसमें। आमीन आमीन। ये भाई हैं आपके? जी जी। अच्छा, इस नाले के साथ साथ जाऊं मैं? जी नहीं, तो ये भाई ऊपर से जाओ ना, सजे हाथ पे ज़्यादा जाना, खबे हाथ पे नहीं जाना। ये फयाज़ ने काफ़ी अच्छा गाइड कर दिया है, तो चलना शुरू कर दिया मैंने। लेट्स सी, देखते हैं कि ऊपर क्या सीन है। और भी लोग गए हुए हैं, ही टोल्ड मी। ये बिल्कुल जंगल सा ही है और मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ पे, पुरसकून सा माहौल है। बकरियों की आवाज़ें आ रही हैं या परिंदों की, और मेरे शूज़ की। ये घना सा जंगल शुरू हो गया, लेकिन ये पाइन ट्रीज़ का जंगल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हाइट चाहिए। बस ये लोकल ही कोई जड़ी बूटियां टाइप पौधे हैं। अच्छा, ज़्यादा हाइट नहीं है ना, तो इसलिए सांस नहीं चढ़ रहा, ऑल्दो कि मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। लेकिन जो ज़्यादा हाइट वाले एरियाज़ में जब चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। और ये डीप पहाड़ों में हमें आ गए हैं। मेरे पास कोई वेपन नहीं है इस वक्त। देर में भी सम एनिमल, कुत्ते के भौंकने की मुसलसल आवाज़ आ रही है। जो पीस है ना इस वैली का, उसको डिस्टर्ब किया हुआ इसने।
ये एक दरा टाइप एक चीज़ आ रही है, दरा समझते होंगे सब लोग, दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको दरा कहते हैं। तो आई होप कि इसके बाद जो है ना सीन कुछ मज़ीद अच्छा होगा। रास्ता बिल्कुल नहीं है पौधों के दरमियान से, बस चल रहा हूँ और थोड़ा सा जो एलिवेशन है ना वो भी स्टीप हो गया अब, इसलिए सांस चढ़ रहा है। इतना ऊपर हम आ चुके हैं, इनफैक्ट इससे काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा सांस लेते हैं। यार ऐसा रास्ता तो कटोरा लेक का भी नहीं था। कितना बड़ा पत्थर है, जब ये लुढ़कते होंगे तो ज़मीन हिलती होगी एक दफ़ा, और ये लुढ़क के ही आए हैं सारे। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे पानी के रास्ते से हो गए। तो ये हमारे दोस्त भी हैं कुछ, ट्रैकिंग में जो है ना चलते चलते वैसे ही दोस्ती हो जाती है लोगों से, क्योंकि मंजिल एक होती है रास्ता एक होता है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँच गए तो देख के सारी थकन दूर हो गई है, बस सांस चढ़ा हुआ है, हो गई है ना। मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा सा आगे भी जाऊँ, और मैं जा रहा हूँ। वाटरफॉल जो है वो काफ़ी कम है फ्लो इसका, क्योंकि इस अर्ली सीज़न बरसात में और जब सख्त गर्मी पड़ रही होती है उस वक्त जब पहाड़ों की बर्फ़ पिघल रही होती है तो ज़्यादा होता है पानी इसमें। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कुदरत ने मेरे लिए ये छोटा सा एक ना पानी पीने के लिए एक बनाया हुआ है, और बहुत प्यास लग रही है, यहीं से पानी की प्यास बुझानी है अपनी। ट्रैकिंग इंसान को थका तो देती है, लेकिन ऐसे फिर इंसान ऐसी जगह पर पहुंचता है ना कि वो थकावट याद नहीं रहती, और फिर बस वो जगह होती है और हम होते हैं और हमारे ख्यालात होते हैं और अल्लाह की ज़ात होती है, उसकी तारीफ़ें होती हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है। जंगल में यूँ बैठना, नदी के किनारे, पहाड़ों के दामन में, पानी के शोर में, परिंदों की गुनगुनाहट में, मैं कहता हूँ रूह ताज़ा हो गई है। एक दफ़ा बता रहा था ना मैं पिछली वीडियो में ही कि खुद से जो मिलने के लिए जो टाइम होता है ना वो यही होता है। मेरी दुआ है कि ये जो मैं खुद से मिलता हूँ ना अक्सर पहाड़ों में आके, वो कहीं मैं कन्वर्ट कर लूँ ना उसको अल्लाह ताला की ज़ात से मिलने में। दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना दे। आप सबसे भी अपील है कि दुआ कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जगहों पे आके अल्लाह ताला की तारीफ़ करने का जो दिल करता है ना, और जो मज़ा आता है अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ़ करने का, वो मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। चलें जी थोड़ा सा आगे की जानिब चलते हैं, क्योंकि देर हो रही है, फिर वापस भी जाना है। मेरा दिल नहीं कर रहा सिर्फ यहाँ से यहीं से वापस चले जाने का, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक कोना और देख लें। कोना कोना तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन एक कोना और तो देख सकता हूँ ना, ये जो सामने नज़र आ रहा है, देखा जस्ट एक
कदम के फासले पे ये एक और छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, और ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है जो नीचे था। इस कोने को क्रॉस करने के लिए ना मुझे इसके दरमियान से जाना पड़ेगा, और इसके दरमियान से ना मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन जगह बहुत ही अच्छी कोई नज़र आ रही है। वाई नॉट यूज़ ड्रोन? अगर सही इंजॉय करना है ना इस जगह को, जुलाई के महीने में आए जब बारिश भी हुई होती है पहाड़ों में, उस वक्त फिर इस आबशार का फ्लो भी ज़्यादा होगा। शहर के पास पास सही, लेकिन ट्रैकिंग अकेले ट्रैकिंग करने में भी बहुत मज़ा आया, और मुझे लग रहा है कि ये मेरा एक ना लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो दोस्त है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकलना शुरू हो गए, मेरा जो ये पागलपन है ये आखिरी हदों को छू रहा है अब। और ये अकेले ट्रैकिंग करके इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा हौसला मिला कि अब मैं दूर दराज के जंगलों में भी इंशाल्लाह अकेले निकला करूँगा ट्रैकिंग करने, बस टाइम का मसला होता है, तो टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह, इस तरह की जगहों पे खुद भी घूमेंगे आपको भी घुमाएंगे। तो देखा आपने, ये पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से छलांगे मारता हुआ अब मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं आया था और ऐसे ही अब वापस जा रहा हूँ। विल्डरनेस अगर आपने पानी है तो फिर ऐसे ही जगहों पे आना पड़ेगा, थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा। आज पानी नहीं है यहाँ पे, लेकिन पानी की जगह मैं हूँ पानी के रास्ते पर। यार ये बहुत मुश्किल है रास्ता। अभी मुझे तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा उस पॉइंट तक पहुंचने में जहां गाड़ी पार्क की थी। एक दफ़ा फिर काफ़ी मुश्किल सी जगह आ गई है। यहां से मैं कैमरा ऑफ करता हूं और जल्दी जल्दी निकलता हूं यहां से, और फिर नीचे शारदा का जो पॉइंट था जहां चाय वाय और एक नाला सा गुजर रहा है, दरमियान में चार पहियाँ डाल के बैठे हुए थे लोग, वहाँ जाके फिर कैमरा ऑन करता हूँ। ये वो टूरिस्ट स्पॉट है शादरा का, काफ़ी रश है यहाँ पे। वापस मैं पहुँच गया हूँ अपनी ट्रैकिंग करके, और नीचे यहाँ पे एक बैठने की जगह है। हिडन टेरेस इसका नाम है, शारदा वैली में ये रेस्टोरेंट है, और वो ऊपर तक गई हुई हैं गाड़ियाँ। पार्क है बच्चों का, और ये रिक्रिएशनल स्पॉट है एक। इस नाले में ही चार पहियाँ चेयर्स दूर तक रखी हुई हैं और लोग इन्जॉय कर रहे हैं वीकेंड। बट माई एन्जॉयमेंट इज़ द विल्डरनेस एंड दैट इज़ नॉट देयर।